हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे प्यार चैनल एग्जाम अड्डा पर। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी संख्या को 11 से गुना कैसे किया जाता है, हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 11। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लिखा 11 × 11, और आज मैं आपको तीन मेथड सिखाऊंगा कि किस तरीके से गुना करते हैं। पहला मेथड वही 11 का 10 भाग निकाल लिए तो 1.1 आ जाएगा। आपको 1.1 आ गया तो 11 प्लस 1.1 तो 12.1 × 10 10 सही है, 121। ठीक है, सेकंड मेथड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 11 × 11 इसमें क्या करना है आपको, इसमें 1 + 1 देखिए, 1 की गुना यहाँ करी 1 और 1 की गुना यहाँ करी 1, 1 × 1 2, और फिर इस गुना की इस एक की जो आपका टेंस प्लेस पर एक है उसकी गुना इधर करने में तो कितना हो जाएगा 121। ठीक है, थर्ड मैथ थोड़ा आपका तो पता है, सभी को 11 का पहाड़ अधिकतर याद रहता है, तो आप सीधा भी याद कर लीजिए। 11 × 11 = 1 तो 121। तो देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए अब एक और गुना कर लेते हैं हम, 15 × 11 कितना, 15 × 11 कैसे करेंगे हम। पहला मेथड 15 × 11 तो हमें कैसे करना है, ये देखिए, इस एक की गुना 5 पर करनी है, 5 इस एक की गुना यहाँ करनी है 1, और इस 5 गुना यहाँ करनी है 6, 5 × 1 6 ठीक है, और इसकी गुना यहाँ करनी है तो ये आ गया 160। फाइव सेकेंड मेथड 15 × 11 करना ना, तो 15 × 10 भाग निकाल लिया, 1.5 आ गया। इसे 15 में जोड़ दीजिए, 15 + 1.5 तो 16.5 आएगा, और इसे गुना कर दीजिए आप, और इसे गुना कर दीजिए आप 10 से तो कितना आ जाएगा, आपका ये आंसर आ गया। अब तीसरा तरीका क्या है कि आपको सीधा 15 को 11 से गुना करने, क्योंकि 11 का पहाड़ा बहुत आसान होता है। 11 × 5 = 55 हासिल लगा 1 सॉरी 55 को करनी है ना, तो देखिए एक मिनट देखिए 15 × 15 और हासिल लगा 1, 15 × 15 = 16 तो इस तरीके से भी आपका ये आ जाता है। चलिए अब एक दो गुना कर लेते हैं हम। अब पढ़ते हैं 25, ये सूख नहीं, 25 × 11 पहला मेथड 25 × 11 11 × 55 हासिल लगे 5 ठीक है, 11 × 2 = 22 + 5 = 27 ठीक है। सेकंड मेथड 25 का दसवां भाग 2.5 तो 25 में 2.5 जोड़ना है तो आ जाएगा आप 27.5 यानी 27.5 × 10 तो 275 ठीक है। अब आपका थर्ड मेथड 25 × 11 5 × 5 यानी इन दोनों की गुना करनी है हमें ठीक है, दूसरा इन दोनों गुना करनी है, इन दोनों की गुना करनी है तो 2 × 2 + 5 तो कितना होगा 7, तो 7 लिख दीजिए, 2 × 2 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब हम करते हैं 38 × 11 कितना, 38 × 11 तो क्या तरीका, वही है जो मैंने आपको तीन समझाए अभी तक, तो 38 × 11 पहला मेथड 11 × 8 = 88 हासिल लगे 8, 11 × 3 = 33 और 8 × 33 = 41 ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड
अड़तीस का दसवां भाग निकालिए, अड़तीस का दसवां भाग आएगा आपका 3.8। 3.8 को आप 38 में जोड़ दीजिए, इतने में 38 में, और ये सब आपको मन में करना है। तो 8 यहाँ प्लस करना है, 8 3 11, 3 1 4, ठीक है, 400 ऐसे गुना कर देना 10 से, कितने से 10 से, तो आपका आ जाएगा 418। थर्ड मेथड वही आपका 38 इंटू 11, 38 इंटू 11 कैसे करना है, इसकी तो गुना इसमें करनी है, तो 8 इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, 3 एकम 3 प्लस 8 एकम 8, और 8 3 11 हासिल लगा 1, 3 एकम 3, और 1 हासिल लगा जो 4। तो देखिए इस तरीके से 3 तरीके हैं आप किसी तरीके से गुना कर सकते हैं। अब हम करते हैं 17 गुना 11, अपना 17 गुना 11 करना है। तो पहला मेथड आपको मैंने समझा दिया, तो 17 लिखना है और 11 लिखना है, तो 11 की सीधी गुना करनी है 17 में, 7 में 11 7 73, 11 7 11 7 77, और 7 कैरी यानी 7 हासिल, 11 11 11 7 11 7 18। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड वही, इसका दसवा भाग 17 का दसवा भाग 1.7, 17 में जोड़ दो 1.7 तो 18.7 18.7 गुना 10 तो 187। थर्ड मेथड क्या है कि 17 इंटू 11, तो इस 7 की गुना 1 में 177 गुना, ठीक है, एकम 1 और इसकी यहाँ गुना 7 कितना हो गया 8, और ये इसकी गुना इसमें 187। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए मैं कुछ ऐसे आपको सवाल दे देता हूँ, आपने आप उत्तर निकाल कमेंट कर देना उन सभी का। चलिए जैसे कि मैं लिखता हूँ आपको 16 इंटू 11 करना है आपको, आपको 29 गुना 11 का आंसर निकाल कमेंट करना है, आपको 25 इंटू 11 का आंसर निकाल कमेंट करना है, और 26 इंटू 11 का, इसी प्रकार से आपको 49 इंटू 11 का आंसर निकाल कमेंट करना है, उसी प्रकार से आपको 59 गुना 11 का आंसर निकाल के कमेंट करना है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।